अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई की वजह है, और वो है चाय। कभी बीवी ने चाय अच्छी नहीं बनाई, कभी शौहर ने चाय अच्छी नहीं बनाई, तो हर वक्त यही चलता रहता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि अच्छी चाय कैसे बनती है। चाय के जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सिर्फ तीन हैं, पानी, दूध और पत्ती। इसी से ही कड़क चाय बनेगी, इसी से दम वाली चाय बनेगी, और भी कई किस्म की तंदूरी चाय, मसाला चाय और सारी चाय इसी से बनती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कड़क चाय से। तो ये हम 2 कप चाय बनाएंगे और इसमें डायरेक्ट हम दूध डालेंगे, अराउंड 2 कप, और इसके अंदर हम पानी ताकि थोड़ा। अब ये हम चूल्हे पे, ये चाय बनाने का प्योर देसी तरीका है जो घरों में भी बनता है और ढाबों में भी यही इस्तेमाल किया जाता है कि दूध डाला और उसको थोड़ा पतला करने के लिए हमने पानी डाल दिया, और जब ये उबलने लगे तो इसमें हम डायरेक्ट पत्ती डालेंगे। चीनी हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे, क्योंकि अगर हम चीनी पहले डालेंगे ना तो वो उसका ना शीरे जैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, तो लहजा हमने वो एंड पे डाल दिया। ये जो देसी चाय है इसके साथ पराठे का एक अपना ही मज़ा है। जब हम छोटे थे तो स्कूल जाना, तो अम्मी ने चाय के साथ नाश्ते में पराठा देना, क्या कमाल का मज़ा था। तो ये दूध उबल गया, अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच पत्ती के जाएंगे। ये जितना उबलेगा उतना ही चाय का टेस्ट अच्छा बनेगा, लिहाजा इसे थोड़ा पकने दें। तो कड़क चाय में जो चीनी है वो ज़रूरी होती है, लेकिन वो हर बंदा अपने हिसाब से डाल ले, किसी ने थोड़ी डालनी, किसी ने ज़्यादा डालनी। तो अब ये लास्ट स्टेज पे है, हम इसको ज़रा फेंटेंगे और चीनी भी जो हमने डाली है वो भी पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी चाय, और ये सिर्फ 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है। अगर आप 30 से 40 साल पीछे जाएं तो वो आपको याद आ रहा होगा कि माल रोड पे एक पाक टी हाउस था, उसमें सारे हमारे जो जितने भी थे लिखारी शायद जाके बैठते थे और चाय पीते थे, और वहाँ से दम वाली चाय बनती थी और वो 3-3, 4-4 कप चाय पी जाते थे। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि वो चाय कैसे बनाते थे। ये कहवे के लिए पानी डाल दिया, तो ये उबलना शुरू हो गया, फिर हम इसमें वही पत्ती के 3 चम्मच। और ये आजकल ना लोग शाम की चाय जो 5 बजे लोग एडिक्टेड है ना चाय के, वो ये दम वाली चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ये कहवा तैयार हो गया, इसको हम ये चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ये दम दे देंगे। इसी दौरान हमने दूध भी गर्म करना है, तो दूध जितनी देर में दूध गर्म होगा उतनी देर में कहवे को दम आ जाएगा। ऑलमोस्ट दूध उबल गया है, ये दूध उबल गया है, तो दूध उठाया और ये मिल्क पाउ पॉट में हमने डाल दिया, और ये माशाल्लाह कहवा तैयार हो गया। तो ये हम डायरेक्ट इसको टी पॉट में डाल देंगे। अंग्रेज़ों के स्टाइल की चाय है कि ये हमने वो कहवा डाला, हमने यही सर्व करना है, और दूध साथ में सर्व कर देंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा दूध लेने की आदत होती है, वो ज़्यादा डाल लेते हैं, कुछ लोगों को कम, और वो कम, और ये आपकी चाय तैयार होती है। वाह। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चैनल क्यों बनाया गया, ये सिर्फ रेसिपीज़ वगैरह बताने के लिए भी बनाया गया। ऐसा नहीं है, ये चैनल बनाने का कोई ख़ास मकसद है, लेकिन वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं बताऊंगा जब हमारे चैनल पे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो लहजा काइंडली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल बनाने का मकसद क्या था। तो अब मैं तीसरी चाय बनाऊंगा जो ऑफिस में जल्दी जल्दी ऐसे बनती है। अच्छा, ये चाय का एक बड़ा शॉर्ट तरीका है जो कंपनी ने निकाला है सिर्फ ऑफिस के लिए, ताकि आपको ऑफिस में ज़्यादा चूल्हे चूल्हे चलाने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादातर दो टी बैग लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक टी बैग से वो अच्छा कावा नहीं बनता। तो हमने ये दो टी बैग डाले और डायरेक्ट डिस्पेंसर से हमने हॉट वाटर लिया। और इसको सिर्फ 5 से 6 मरतबा हमने डिप 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 करना है। और ये हमारा बेहतरीन कावा तैयार हो गया। और इसको हमने जब ये, और ये हमारे पास गर्म दूध है या एवरीडे का आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चाय तैयार है। चीनी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। वाह, मज़े की है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको तीनों चाय के तरीके पसंद आए होंगे। आखिर पे मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये जो सैलाब ज़दगान है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, उनकी मदद करें और दूसरों को भी तरगीब दें कि उनकी मदद करें। खुदा हाफ़िज़।